हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छा ही होगा। रोज की तरह मैं आज एक नया दवा का रिव्यू लेकर आया हूं, जिसे एवी फ्लोएन के नाम से जाना जाता है। यह दवा मार्केट में बहुत ही प्रचलित है। इस दवा का प्राइस, उपयोग, साइड इफेक्ट, कंपोजिशन सब बताने वाला हूं। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मेडिसिन वर्सेस नेचुरल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इस दवा को लुपिन कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जो कि एक फेमस कंपनी है। इस दवा की प्राइस की बात करें तो एक स्ट्रिप की कीमत 270 रुपया पड़ती है, जिसमें कि 10 टैबलेट रहते हैं, जो कि समय के अनुसार घटते बढ़ते रहते हैं। यह दवा आपको कोई भी लोकल केमिस्ट के दुकान में आसानी से मिल जाएंगे। इस दवा की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मेनली दो कंपोजिशन पाए जाते हैं। पहला एसरोफिस्टिन, जो कि 100 mg रहते हैं, और दूसरा एसरोसिस्टिन, जो कि 600 mg रहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इस दवा का उपयोग किन किन परिस्थितियों में किया जाता है। इस दवा का उपयोग सांस लेने में दिक्कत या सांस फूलने के समय किया जाता है। यह दवा बायोमार के मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है, जिससे आपको सांस लेने में आसानी होती है। इस दवा के इस्तेमाल की बात करें तो दमा, सांस लेने में दिक्कत, सांस फूलना इत्यादि में किया जाता है। इस दवा की डोज की बात करें तो आपको खाना खाने के बाद एक टेबलेट लेना है, लेकिन आपके डॉक्टर आपको जैसे बोले वैसे ही लेना है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इस दवा का दुष्प्रभाव क्या क्या है। इस दवा के दुष्प्रभाव की बात करें तो सिर दर्द, सूजन आना, चक्कर आना, बुखार, उल्टी होना, सांस लेने में दिक्कत इत्यादि शामिल है। इस दवा का दुष्प्रभाव इलाज के बाद जल्द ही समाप्त हो जाती है। हालांकि यह समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। प्रिकॉशन की बात करें तो प्रेग्नेंट महिला, स्तनपान कराने वाले महिला, साथ ही साथ किसी की सर्जरी हुई हो और 18 साल से नीचे के बच्चों को एक बार लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। तो दोस्तों जब भी इस दवा को लें, डॉक्टर की सलाह से ही लें। अन्य कोई भी आपको सलाह दे, उनकी सलाह बिल्कुल ना माने, क्योंकि उसे यह नहीं पता है कि इस दवा को किसी अन्य दवा के साथ लेने से हमारे शरीर में गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए जब भी इस दवा को ले, डॉक्टर की सलाह से ही ले। इन सभी सावधानियों के अलावा इस दवा को गाड़ी चलाते समय लेना सुरक्षित है और इसकी लत भी लग सकती है। यह हमारी छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।